वही लेनी चाहिए जो ठीक हो। पहनना ही है आपने तो एक टी शर्ट के लिए इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब वो टी शर्ट तो आप एक दिन माना के खरीदे हुए 4-5 दिन हो चुके हैं लेकिन वो मेरे दिमाग में हटी नहीं रहा, क्योंकि वो टी शर्ट देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बाहर से कहीं दुकान से लेती बाई कोट वो ज़्यादा से ज़्यादा 500, उससे ज़्यादा वो नहीं था वो टी शर्ट। मतलब मुझे इतना फील हुआ वो पैसा, मुझे इतना दुख लगा वो पैसा देने में कि मैं आपको पता नहीं होती। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ कहीं पर भी जाए जैसे पहले टैग देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन रेट है, इस कपड़े का हमें इतना पैसा देना चाहिए तो ही लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, बेकार है फिजुल के घर। इसको इसके पापा के साथ डंडे मारूँ मैं, अब से मैंने कान पकड़ लिया है, इन दोनों के साथ शॉपिंग करने मैं कभी नहीं जाऊँगी। मैंने एक गाउन देखा था तो हम किस के लेके जाएंगे, वो 400 रुपीज़ का था, तो मैंने उसको बोला कि आप 100 रुपीज़ कम कर लो, मैं 300 का ले लूँगी। उसने दिया नहीं क्योंकि मुझे 400 ना उस कपड़े में ज़्यादा लग रहा था। मैंने जब 400 का नहीं लिया तो इन लोगों ने एक ही बार में एक टी शर्ट के लिए 3150 रुपये स्वाहा। पैसे तो आपके लगे, देख रहे हैं आप। चलो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अभी हो रहा है मॉर्निंग 11 बजे, दोपहर होने वाली है तो रौनक ने नहा लिया है और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। मैंने आपको बनाया था पिज्ज़ा सैंडविच, अगर आपको उसकी रेसिपी देखनी है तो मेरे प्रिय आली रेसिपी में जाके आप देखिएगा उसकी वीडियो, उसकी रेसिपी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और आप मेरे व्यू आप देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेट मिलता है आगे काम करने के लिए भी। देखिए काम ब्लॉग हो गया है, रेसिपी हो गई, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि घर में बहुत गर्मी का टाइम हो रहा है, रेसिपी बनाना तो बहुत मुश्किल होता है और डेली सोचना पड़ता है आपको कि आपको क्या बनाना है और कल का ब्लॉग के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, उसके लिए काफ़ी मेहनत लगता है। तो अगर आप देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है। जब बोल रही हो ना बड़ी बात है, पर अभी तो आप एसी में बैठी हुई हो और मैं भी घर में तो है गाइज। तो अभी दिन के 11 बज रहे हैं तो आज हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो देखिए शाम तक हम क्या क्या करते, कहीं जाते या नहीं जाते, फिर आज हम घर का ब्लॉग नहीं ऐड करते तो बस ऐसे ही। ठीक है, जा रही हूँ मैं रौनक को ले लीजिए, और मेरे हाथ में कुछ चोट भी लगी हुई है तो स्कूटी चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मैंने खाना तो खैर बनाया नहीं है अभी तक, क्योंकि दाल बनाया हुआ है और कुछ आज तबियत ठीक 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 नहीं लग रही मुझे। दाल तो आई थिंक लगभग बन ही गया होगा मेरा, बहुत धूप भी हो रही है देखिए आज। पता क्या, 2 दिन ठीक मौसम ठीक रहता है फिर 2 दिन गर्मी होती है, 2 दिन ठीक रहता है बहुत गर्मी होती है, नहीं रहता मौसम है दिल्ली में, समझ में नहीं आता। तो मैं जा रही हूँ रौनक को लेने के लिए, उसको लेकर आऊँगी फिर उसके बाद बनाएंगे उसके आगे का ब्लॉग। हेलो गाइस, तो अब शाम हो गई है, शाम के हो गए 6, तो हम जा रहे हैं जॉनसा रेस्टोरेंट। जॉनसा रेस्टोरेंट का मैंने कई बार ब्लॉग बनाया है वहाँ का, लेकिन मैंने वहाँ पर डिनर करते हुए कभी भी नहीं बनाया है। सो हम जा रहे हैं आज वहाँ पे खाना खाने के लिए क्योंकि रौनक का बहुत मन कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पर रौनक को लेकर। तो वहाँ का हम जब हम पहुँच जाएंगे फिर हम वहाँ का बनाएंगे ब्लॉग। बहुत आज उदास है मेरे बेटा, और देखते हैं हम क्या खाते हैं आज वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद हम दोबारा से मिलेंगे।
आ गया हमारा फ्राइड राइस। तो गाइस हम आ चुके हैं घर और अब हम बहुत थक भी गए हैं और हमने खा पी लिया, सब कुछ कर लिया, हम मस्त हो गए। तो गाइस ब्लॉग अभी ही एंड करने जा रही हूँ मैं, रेसिपी चेंज कर लिया मैंने। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और आज काफ़ी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।